मित्रों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये जो आज डिजिटल एक पट लगाया गया है, जिसके अंदर खास करके आज़ादी के इस पर्व पर 75वां जो आज़ादी की का वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव, इस समय में आज़ादी की पुरानी जो प्राचीन इतिहास है, कहानियां हैं, वो सब यहाँ डिजिटल पट पर लगाई गई हैं, ताकि लोग आते जाते यहाँ पर उसको देख सकें और इसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हमने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के पट सभी जिला के जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पहले लगाए जाए, और बाद में जहाँ जहाँ फुटफॉल होता है लोगों का, वहाँ भी लगाने का प्रयत्न करेंगे, ताकि लोगों को इस वर्ष में आज़ादी की पूरी कहानी, ये किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आज़ादी प्राप्त की, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा और कहाँ कहाँ इसका बिगुल बजाया गया, ये सारी जानकारी उनको मिल सके। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है, और हमारा आईटी डिपार्टमेंट हर एक विभाग में कुछ न कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बने इस पर लगा है, ताकि लोगों को सब सुविधाएं, यानी आईटी का मतलब है कि इमीडिएट, यानी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस प्रकार से आईटी के माध्यम से हम लोगों को जो अपनी सेवाएं हैं, चाहे वो अंत्योदय सरल के केंद्र हैं, और चाहे अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है, वो भी एक आईटी का, यानी डिजिटल हरियाणा का ही एक नमूना है। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से बहुत सी सेवाएं उनको देना शुरू किया है, और डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड सी हम कर रहे हैं हर एक विभाग में। अभी आगे चल करके हर विभाग की जो फाइलें हैं ई ऑफिस के माध्यम से, वो ई फाइल्स ही चलेंगी, अब फिजिकल फाइलें नहीं चलेंगी। और कल हमने एक और जो बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, कि जो राइट टू सर्विस कमीशन है, उन्होंने एक ऑटो अपील सिस्टम ये बनाया है आस नाम से। 546 सर्विसेज ऐसी हैं जो राइट टू सर्विस कमीशन के अंतर्गत नोटिफाइड हैं, उन सब में टाइम बाउंड तरीके से सर्विस नहीं मिलेगी, तो उसका अपील अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, किसी को अपील करनी नहीं पड़ेगी। फिर उसमें से कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी कि वो काम उसने समय पर क्यों नहीं किया। तो इसलिए डिजिटल हरियाणा ये हमारा एक बहुत फोकस्ड कार्यक्रम है, जिसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं।